आज का टॉपिक है कैपिटल गेन। पूंजी लाभ में दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करते समय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन या इसमें बोलते हैं कि निर्देशित लागत कैसे ज्ञात की जाती है। प्राप्त करने की संपत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत ज्ञात करने का आयकर अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति में संपत्ति के निर्देशित लागत किसे कहेंगे। निर्देशित लागत से आशय या निर्देशित लागत से अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बजट में लागत इंडेक्स बिहेवियर होता है, उसको हम बोलते हैं CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। CII जो हम शॉर्ट में यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला है, ये वो अनुपात है जो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत वाले वर्ष और संपत्ति को ट्रांसफर करने बेचने वाले वर्ष में अनुपात स्थापित करता है। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की गणना करने का इंडेक्स कॉस्ट वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास उसका फॉर्मूला है, संपत्ति की लागत को यार हम कह सकते संपत्ति की प्राप्त करने की लागत इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
सबसे पहले इंटरेस्ट रेट 2001 से शुरू किया गया है सरकारी बजट के अनुसार, उसका इंडेक्स है 100 और हर साल अलग अलग। लास्ट ईयर हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20, उसका इंडेक्स है CI 289। तो लागत प्राप्त करने की करदाता क्यों निर्भर करती है कि उसके वास्तव में प्राप्त करने की लागत क्या है। जब उसे संपत्ति प्राप्त की थी, जमीन जो उसने खरीदी थी वो उसकी है 2100 रुपए के हिसाब से। एक उसके पास था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100, 2000 2 लाख। दूसरा, अगर कोई संपत्ति आयकर प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है तो करदाता अपनी मर्जी से या तो पुरानी वाली सकते हैं, तो उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास 2001 से शुरू हो रहा है, तो वो ये लागत फेयर वैल्यू भी कैलकुलेट कर से अपनी आयकर की गणना कर सकता है। 1 अप्रैल 2001 को उसकी लागत होगी संपत्ति की कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू 1 अप्रैल 2000 150 रुपीज स्क्वायर फीट, तो 150 2000 स्क्वायर फीट ये हमारी कॉस्ट आई 3 लाख।7000, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड है ट्रांसफर एक्सपेंसेस, हम लेस करते हैं जिसको ब्रोकरेज दी हुई है 20000 रुपए। ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर कोई है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस सेशन में दिए हैं इसको ब्रोकरेज के रूप में 20000। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 8,87,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मिस्टर अचल को 27,13,000। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल था कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो 1 अप्रैल की जो फेयर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग भी अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दीर्घकालीन पूंजी लाभ में किसी भी लागत का निर्देशित करने का फॉर्मूला है और उसके लिए ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स वैल्यू लेनी है, इसी ईयर में प्राप्त करता है या 2001 की फेयर वैल्यू ले रहे हैं तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 100 है टोटल अमाउंट, और उसमें वो एक्सपेंसिज अगर है किसी भी प्रकार के ट्रांसफर के वो ऐड करने के बाद टोटल सेलिंग प्राइसेस अगर हम लेस कर देंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ।